धरती के उस पावन स्थल पर जहाँ समझ और संघर्ष के बीच अर्जुन खड़े हैं, वहाँ हम जीवन के अद्वितीय सत्य की खोज में निकलते हैं। अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, हे माधव, क्या वाकई हम प्रियजनों को नष्ट करने में सुख मिल सकता है? धृतराष्ट्र की संतानों का, हमारे अपने मन की संतानों का? हे माधव कृष्ण, हमें कैसे सुख मिल सकता है? हमारे स्वजनों को मारकर, हमारी आदतें और विचार हमारे मन के विकसित बीज हैं। जब इन्हें त्यागते हैं, क्या हम वास्तव में उस मन को त्याग देते हैं जो हमें जीवन की असलियत में व्यक्त करता है? संसारी मनुष्य सत्य के हिसाब से नहीं, अपनी आदतों के हिसाब से तर्क करता है। जब भी लोगों को अपने प्रिय आदतों का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, तब उनमें अनेक प्रकार की मनोवृत्तियां प्रकट होती हैं। जब एक शाकाहारी और मांसाहारी में विवाद होता है, वह सिर्फ भोजन का नहीं बल्कि उनकी आदतों और विश्वासों का विवाद। यह गीता का श्लोक भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक चेतावनी है, विशेषकर उनके लिए जो आध्यात्मिक पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अच्छे आचरण का पालन करते हैं, हम अपने मित्र बनते हैं, और जब हम बुरे आचरण का पालन करते हैं, हम अपने शत्रु बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी आदतों को समझदारी से विचार करना चाहिए। मनुष्य के लिए खतरनाक स्थिति तब होती है जब वह अपनी बुरी आदतों का पालन करता है उतनी ही सुखद, प्रसन्न और सहजता से जितना कि वह बेहतर मन स्थिति में अपनी अच्छी आदतों का पालन करता है। अर्जुन का संघर्ष हर एक व्यक्ति का संघर्ष है। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें हमेशा अपने आप से सवाल करना होगा, और भगवद्गीता हमें उस सही मार्ग की दिशा दिखाती है। प्रणाम।